नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएचएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ रिचा। पठानकोट हमले की जांच के लिए पाकिस्तान की जांच टीम का विरोध हो रहा है। सियासी दलों के साथ कुछ सामाजिक संगठन भी विरोध कर रहे हैं। सियासी हो हल्ले के बीच जांच टीम ने पठानकोट पहुंचकर जांच की और जरूरी जानकारियां जुटाई। पठानकोट हमले की जांच के लिए भारत आई पाकिस्तान की संयुक्त जांच टीम पठानकोट पहुंची। इस दौरान जांच टीम को विरोध का भी सामना करना पड़ा। आम आदमी पार्टी ने पाकिस्तान की जांच टीम का विरोध किया। जांच टीम के विरोध में नारेबाजी भी की गई तो कई पोस्टर भी लगाए गए, लेकिन इस विरोध के बीच ही पाकिस्तान की जांच टीम पठानकोट पहुंची और हमलों से जुड़ी जानकारियां हासिल की और जांच की। पाकिस्तान से आई जांच टीम सुबह दिल्ली से अमृतसर के लिए रवाना हुई थी और उसके बाद पठानकोट एयरबेस पहुंची। पाकिस्तान की जांच टीम को कड़ी सुरक्षा के बीच पठानकोट लाया गया। हालांकि पाकिस्तान की जांच टीम को एयरबेस के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। पाकिस्तान की जांच टीम को महज घटनास्थल तक जाने की ही इजाजत मिली। इससे पहले एनआईए की ओर से पठानकोट हमले के संबंध में कई अहम सबूत पाकिस्तान की जांच टीम को सौंपे गए थे। अब पाकिस्तान की जांच टीम के भारत आने को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पाकिस्तान की जांच टीम भारत आने का विरोध कर रहे हैं तो बीजेपी विपक्षी दलों के इस विरोध को गलत बता रही है। जेडीयू और शिवसेना भी पाकिस्तान की जांच टीम को भारत बुलाए जाने का विरोध कर रही है। इस मामले पर किस तरह से हो रही है सियासत, देखिए इस रिपोर्ट में। पठानकोट हमले की जांच के लिए पाकिस्तान की संयुक्त जांच टीम भारत पहुंची तो संयुक्त रूप से सियासत का दौर भी शुरू हो गया। कई सियासी दल संयुक्त रूप से संयुक्त जांच टीम का विरोध करने लगे। क्या कांग्रेस, क्या आम आदमी पार्टी और क्या जेडीयू, सरकार के विरोध में खड़े तमाम सियासी दल पाक की जांच टीम को लेकर भी एक साथ खड़े दिखे। पंजाब में सत्ता पाने का सपना देख रही आम आदमी पार्टी ने तो पाकिस्तानी वापस जाओ के नारों के साथ पोस्टर तक लगा दिए और नारेबाजी की। साथ ही पाक की जांच टीम को भारत आने को शहीदों का अपमान करार दिया और पीएम मोदी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। देखिए, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भारत में बुलाना भारत के स्वाभिमान, भारत के सम्मान का अपमान है, भारत के शहीदों का अपमान है, पठानकोट में जिन जवानों ने अपनी शहादत दी उनका अपमान है। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने भी पाकिस्तानी जांच टीम के भारत आने को गलत बताया। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि हमला भी पाक ने कराया और जांच भी पाकिस्तान करे, ये भला कौन सा तरीका है। कोई भी पाकिस्तान का तहकीकात करने वाली एजेंसी तो अब वो क्यों हिंदुस्तान बुलाई जा रही है? पठान को जाने का उनका क्या मतलब है? क्या जो सबूत हमने दिए थे उसको पाकिस्तान मान्य नहीं मान रहा है? ये हमारी सॉवरेन धरती है, इस पर जो होता है वो हमारी संस्थाएं उसको देखती हैं। क्या ऐसी बात है जिसके लिए पाकिस्तान के लोग यहाँ आ रहे हैं? क्या उनकी धरती पर या उनके नागरिकों के खिलाफ कोई वहाँ जुर्म हुआ था जो वो लोग तहकीकात करने आ रहे हैं? देखिए, तहकीकात जो वहाँ से टेररिस्ट आए थे, आतंकवादी आए थे, वो पाकिस्तानी थे। जो मरने वाले हैं, आघात हुए हैं, वो हिंदुस्तानी हैं और वो लोग आएंगे हम पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए? इससे ज्यादा शर्म वाली तो कोई बात ही नहीं है। जेडीयू ने भी पाकिस्तानी जांच टीम को एयरबेस में जाने की अनुमति दिए जाने का विरोध किया है। जेआईटी में एक आईएसआई के भी सदस्य हैं, बड़े अधिकारी। भारत सरकार का हमलों का लगातार मानना रहा है कि इन आतंकवादी हमलों के पीछे आईएसआई का भी हाथ होता है। ऐसे में अपने पठानकोट के बेस में आईएसआई समेत दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति कई तरह के प्रश्न पैदा करेगी। और अगर इस टीम ने अपराधियों के विरुद्ध
कोई सख्त कार्रवाई करने की टिप्पणी नहीं की। अगर उन्होंने ऐसा नहीं माना कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है तो भारत सरकार की बहुत किरकिरी होगी। विरोधी दल पाकिस्तान की जांच टीम का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी अपने सियासी विरोधियों के विरोध पर सवाल खड़ा कर रही है। बीजेपी का कहना है, अगर पाकिस्तान की जांच टीम आने से पठानकोट के गुनहगारों को सजा मिलती है तो इसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भला क्या दिक्कत है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि कार्रवाई होगी और पठानकोट आतंकवादी हमले को लेकर भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके लिए ज्वाइंट टीम आई हुई है और मुझे नहीं समझ आता कि पाकिस्तान के इस ज्वाइंट टीम के आने पर कांग्रेस क्यों एतराज कर रही है। वो नहीं चाहती कि पठानकोट हमले में जो गुनहगार है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तो विपक्ष की सलाह को शुक्रिया के साथ वापस लौटा दिया। देखिए, कांग्रेस से बिना मांगी सलाह तो हमने मांगी नहीं है। कांग्रेस की ने जो बिना मांगी सलाह दे रही है उसके लिए शुक्रिया। अगर यही बिना मांगी सलाह हो, जिस समय की एक के बाद एक हर दिन आतंकवादी हमले भारत पे हो रहे थे और वो हाथ में हाथ रखे हुए कान में तेल डाल करके बैठे हुए थे, सो रहे थे, उस वक्त वो देते तो कुछ समझ में आता। कांग्रेस और सरकार की सियासी लड़ाई के बीच शिवसेना भी कूद पड़ी। सरकार के सहयोगी दल ने अपने ही तेवर में पाकिस्तानी जांच टीम के भारत आने को देश के स्वाभिमान पर चोट बता दिया। पठानकोट में जो हुआ है उसमें सीधा सीधा पाकिस्तान का हाथ है, उसकी जिम्मेदारी हफीज सईद ने भी ली है। उसके बावजूद पाकिस्तान की टीम के लिए, पाकिस्तान के जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उनकी जिस तरह से खातिर हो रही है, मुझे लगता है ये तो देश की स्वाभिमान और अस्मिता को शोभा नहीं देता है। सियासी विरोध के बीच पाकिस्तान की जांच टीम का कुछ स्थानीय नेताओं और संगठनों ने भी विरोध किया। कुछ संस्थाओं और संगठनों ने पाकिस्तान की जांच टीम के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध, विरोध और विरोध, हर ओर सिर्फ विरोध। कुछ सियासी दलों का विरोध तो कुछ सामाजिक संगठनों का विरोध, लेकिन इस विरोध के बीच सरकार इसे आतंक के खिलाफ दोनों देशों का एक सकारात्मक संकेत मान रही है। लेकिन इतना तो तय है, पाकिस्तान की जांच टीम भले ही जांच पूरी करके चली जाए, लेकिन सियासत का दौर फिलहाल देश में अभी थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो इस विरोध के बीच कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने पठानकोट हमले की जांच के लिए भले ही जांच टीम भेज दी है, लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान पठानकोट के गुनाहगारों पर कार्रवाई करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। रक्षा विशेषज्ञों की अगर बात करें तो रक्षा विशेषज्ञ इसे अच्छी पहल जरूर मान रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की नीयत पर शक भी जाहिर कर रहे हैं। पाकिस्तान की जांच टीम पठानकोट तो पहुंची, लेकिन पठानकोट के गुनहगारों पर क्या पाकिस्तान कार्रवाई कर पाएगा? पाकिस्तान से जांच टीम का आना एक अच्छी पहल है या महज दिखावा? ISI के अधिकारियों का जांच टीम में होना कितना सही? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो पठानकोट हमले की जांच के लिए पहुंची जांच टीम को लेकर खड़े हो रहे हैं। सियासी हो हल्ले से दूर अगर इन सवालों का जवाब तलाश करने की कोशिश करें तो रक्षा विशेषज्ञों की नजर में ये एक नई पहल है। रक्षा विशेषज्ञ उदय भास्कर इसे दोनों देशों के बीच नई तरह की भागीदारी बता रहे हैं। अभी तक भारत में यही धारणा है कि जब हम किसी बड़े दहशतगर्दी का जो घटना की बात करते हैं, चाहे वो मुंबई हो 2008 में जो हुआ है या अभी हाल में पठानकोट, आम तौर पे पाकिस्तान के जो खुफिया एजेंसी है उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है इन गुटों को समर्थन देता है, चाहे वो लश्कर-ए-तैयबा हो या जैश मोहम्मद, और भारत के लिए ये एक बहुत जटिल समस्या बना है। तो अभी पठानकोट के संदर्भ में, जबकि JIT के अंदर एक ISI का भी सदस्य है, तो भारत के अंदर तरह तरह के सवाल और चिंताएँ पैदा हुई हैं, पर साथ साथ शायद हमको इसे किसी नए परिप्रेक्ष्य में देखना है कि इस वक्त लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक प्रकार का हल्का सा भागीदारी की बात हो रही है दहशतगर्दी घटनाओं के इन्वेस्टिगेशन में।
उन्होंने ये भी कहा, आज तक जो पाकिस्तान सबूत न होने की बात कहता आया है, इस बार उसका रुख क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। पठानकोट के संदर्भ में पाकिस्तान ने कहा कि उन्हें एविडेंस और एक्सेस चाहिए ताकि वो अपने देश के कानूनी दायरे में केस को आगे बढ़ाएं। तो देखना है कि पठानकोट का इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार का चलेगा। जैसे बार बार कहा जाता है, ये तो फूक फूक के आगे बढ़ना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये जो रणनीति है और कहाँ तक इसमें बदलाव आया है, ये शायद पठानकोट के जाँच के बाद ही होगा। हालांकि कुछ रक्षा विशेषज्ञ पाक की नियत पर शक जाहिर कर रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ एसआर सिन्हो का कहना है कि पाक ने हमेशा ही सबूतों के नाम पर बहाना बनाया है और इस बार फिर पाकिस्तान की जांच टीम वापस जाने के बाद कोई ऐसा नया बहाना तलाश कर सकती है। सब एविडेंस भारत पहले भी उनको दे चुका था और भारत ने ये भी कहा कंफर्मेशन के लिए कि जो सांभा में और कठुआ में पिछले अटैक हुए थे उसमें यही चीजें पाई गई थी और उसमें सिमिलैरिटी है, इंक्लूडिंग हथियार भी, जो चाइनीज के वेपन्स थे और रशिया से जो अम्यूनिशन वगैरह था वो भी सब उनको पूरा उनको दिया गया है, बताया गया है। अभी ये क्या बोलेंगे क्या कहेंगे समझ से बाहर है। उन्होंने अभी जो है मौलाना अजहर शहीद मसूद अजहर के ऊपर भी उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया है, वो कहाँ पे उसको पकड़ा है, जैसे मोहम्मद के कौन कौन टेररिस्ट थे, क्या थे, जो डिटेल दी उसके बारे में भी उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया है। तो आगे देखना है, मुझे तो यही लगता है ये सब देखने समझने के बाद पाकिस्तान वहाँ वापस जा करके कुछ न कुछ बहाना लगाएगा, कुछ न कुछ नुस्खा छोड़ेगा और ये साबित करने की कोशिश करेगा कि ये जो हमको एविडेंस मिले हैं ये अभी फुल प्रूफ नहीं है, हमें और आगे एविडेंस की जरूरत है। जांच तो हो रही है लेकिन कार्रवाई कितनी होगी ये सवाल वाकई बड़ा है और आतंकियों को लेकर पाकिस्तान के पुराने रुख को देखते हुए ये सवाल और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो JIT का भारत आना कितना कारगर साबित होता है ये तब पता चलेगा जब JIT वापस पाकिस्तान लौटेगी और क्या कुछ जांच JIT ने की है, उस पर क्या कुछ कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से होती है, उसके बाद ही पता लग पाएगा कि JIT का भारत आना कितना सफल हुआ। इस बीच आपको ये भी बता दें कि हरियाणा विधानसभा में जाट आरक्षण विधेयक पास हो गया है, लेकिन यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद इसी से जुड़ी खबर आपको दिखाएंगे।